नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। भारत के संयम को लगातार चीन कमजोरी मारने की भूल कर रहा है। जिस तरीके से भारतीय सेना, उससे पहले आईटीबीपी, अपने पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर संयम के साथ मजबूती से लेकिन खड़ी रही थी, चीन ने एक कदम और आगे बढ़ाने की हिमाकत भी की तो उसे उसी जगह पर रोक दिया गया। इस सब के बीच चीन के राष्ट्रपति बार बार अपनी सेना को यह समझा रहे हैं कि आप किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। क्या चीन युद्ध चाहता है? क्या चीन आज भी यह सोचता है कि 1962 का समय है? अगर चीन वाकई ऐसा सोचता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि भारत उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। पहला कदम वो उठाएगा लेकिन आखिरी बार हिंदुस्तान की तरफ से होगा। पलटवार सीमा पर इस बार हिंदुस्तान की ललकार। क्या सोचा था चीन ने? वो हर बार की तरह इस बार भी सीमा पर चालबाजी करेगा और हिंदुस्तान चुप बैठा रहेगा? गए वो दिन, जी हाँ गए वो दिन, जब चीन सरहद पर सड़क बनाता चला जाता था, गश्त बढ़ाता चला जाता था और टहलते हुए एलएसी पार कर भारतीय इलाकों में भी घुस आता था। अब ये नया हिंदुस्तान है, नए तेवरों वाला हिंदुस्तान। नरेंद्र मोदी के भारत को कोई भी आंख नहीं दिखा सकता। फिर कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी के भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। दरअसल सरहद पर सरगर्मियां बढ़ने के बाद से ही नई दिल्ली में भी हलचल तेज हो गई है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई प्रोफाइल मीटिंग में हालात का जायजा लिया था, तो बुधवार को थल सेना अध्यक्ष MM नरवणे के साथ दिन भर सेना के टॉप कमांडरों का मंथन चलता रहा। भारत चीन के बीच तनातनी को देखते हुए हर किसी की नजर 3 दिन की इस कॉन्फ्रेंस पर है। जिस प्रकार से वो अपने टेंट लेके साथ में आया है, अपने ट्रूप्स लेके आया है, एक्टिविटी को इंक्रीज किया है, ये यूनिलैटरल परसेप्शन है। लेकिन एक चीज सबको मालूम होनी चाहिए कि ये जो हरकतें हो रही हैं ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हो रही हैं। लेकिन जो हमारा बॉर्डर है, जो हमारे बॉर्डर की पोजिशन है, उसके मुताबिक चाइना इज इन एडवर्स पोजीशन ऑफ 37,555 स्क्वायर किलोमीटर इस इलाका में, जो हमारी पार्लियामेंट में भी 6 अगस्त 2019 को बहुत क्लियरली बताया गया था। तो ये जरूरी है कि जब तक हम अपने बॉर्डर की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, LAC क्लैरिफिकेशन सॉल्व करते हैं, स्थिति नॉर्मल रहनी चाहिए। इसलिए जरूरी है इमीडिएटली कि ये जो मिलिट्री सिचुएशन हुई है इसको डीएस्केलेट करें, उनके ट्रूप्स वापस अपनी जगह में जाने चाहिए। अब आपको सीधे लद्दाख लिए चलते हैं। आमतौर पर शांत रहने वाली लद्दाख की वादियां इन दिनों सैन्य बलों की आवाजाही से गूंज रही हैं, खासतौर पर LAC के करीब। असल में चीन की चालबाजियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि उसे जवाब देना बेहद जरूरी हो गया था। हिंदुस्तान ने वही किया भी। तस्वीरें आईने की तरह हालात को साफ कर रही हैं। सरहद पर चीन ने सड़क ही नहीं बनाई, कैंप्स तक बना डाले। ट्रकों की आवाजाही तक हजारों मील दूर से ली गई तस्वीरों में कैद हो गई। आखिर भारत कब तक चुप रहता? जवाब में भारत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सैन्य बल बढ़ा दिया, गश्त बढ़ा दी और बता दिया कि इस बार चीन को उसी के अंदाज में जवाब दिया जाएगा। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि दशकों में उन्होंने इस तरह का तनाव नियंत्रण रेखा पर नहीं देखा है। जिस अंदाज से भारतीय सेना की गतिविधियां यहां पर देखी जा रही हैं, दरअसल जिस अंदाज से चीन ने भारतीय इलाके में घुसपैठ की है, फिलहाल अभी सेना और प्रशासन की तरफ से यही कोशिशें चल रही हैं कि चीनी सेना भारतीय इलाके से वापस लौटे जिस तरह पहले हुआ था। लेकिन यदि ये नहीं होता है तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति बनी हुई है। लद्दाख स्काउट्स जो सेना की रेजिमेंट है, जिन्हें प्रमुख तौर पर इसीलिए प्रशिक्षित किया जाता है कि वो इस तरह के हालात में किसी भी लड़ाई के लिए तैयार रहें, उनको फिलहाल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलग अलग हिस्सों पर तैनात किया गया है। उधर LAC के करीब से सबसे ताजा रिपोर्ट ये है कि 5,000 चीनी सैनिक भारतीय सीमा के अंदर डेरा डाले हुए हैं।
भारत ने भी पलटवार की पूरी तैयारी की है और हजारों की तादाद में भारतीय सैन्य बल जरूरी उपकरणों के साथ एलएसी के पास गलवान वैली में जमा हो रहे हैं। चीन इतना जिद्दी है कि अभी तक वो बॉर्डर फ्लैग मीटिंग के लिए तैयार नहीं हुआ है। बदले हालात की वजह से एलएसी के पास रहने वाले गांवों में दहशत देखने को मिल रही है। सैलानियों के लिए एलएसी के आसपास का इलाका प्रतिबंधित कर दिया गया है और स्थानीय नागरिकों के आवागमन पर नजर रखी जा रही है। बॉर्डर के जितने भी लोग हैं उन्होंने बिल्कुल आर्मी के साथ हर चीज उन्होंने साथ देके काम किया, तो आज भी उस आर्मी के साथ साथ देने में कोई वो नहीं रहेगा। हमारा कल भी हम वहां जाके बात करके आए कि लोग जो है बिल्कुल तैयार है, हर चीज उनके साथ वो करने के लिए तैयार है। तो लोगों की ओर से ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो बिल्कुल तैयार है क्योंकि हम मानते भी हैं कि वी आर सेकंड गाइडिंग फोर्स ऑफ द नेशन। इस बार सरकार का संदेश साफ है, अगर चीन बातचीत और कूटनीति से मान जाता है तो अच्छी बात है, वरना उसे उसकी ही भाषा में करारा जवाब दिया जाएगा। अगर चीन आंख दिखाता है तो उससे आंख दिखाकर निपटा जाएगा। चीन के अंदर जब भी वो चाहते हैं कि लोगों का ध्यान दूसरी तरफ बटे, ऐसी चीजें होती हैं। कोई इसमें नई चीज नहीं है। पहले अगर कुछ नफरी थी उसमें अगर बढ़ोतरी हो जाती है कोई इसमें बात नहीं, हमारी भी बढ़ोतरी होती है लेकिन हम किसी को बताते नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है हमारे तीनों सेनाओं के अंगों पर कि वो किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार है। उनको अपना काम करने दें, सरकार इस चीज पर निगाह बनाए हुए है। जाहिर है इस मसले को लेकर हिंदुस्तान की तैयारी हर मोर्चे पर चाक चौबंद है, कूटनीतिक मोर्चे पर भी और सैन्य मोर्चे पर भी। हमेशा अतीत की बात करना एक कमजोरी होती है क्योंकि इसका सीधा मतलब यह होता है कि आपको अपने वर्तमान में यकीन नहीं है। चीन अगर बार बार 1962 का जिक्र करता है तो वो भूल जाता है कि 2020 का हिंदुस्तान बहुत अलग है। दुनिया 62 से कहां आगे आ चुकी है, वो आज भी उसी की रट लगाना चाहता है और उसकी बड़ी वजह यह है कि वो जानता है कि आज का हिंदुस्तान ताकतवर है। लद्दाख में एलएसी से अशरफ वानी और दिल्ली में श्वेता सिंह के साथ मनजीत नेगी आज तक। तो चीन सिर्फ यहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर नहीं उलझा हुआ है, पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, कभी ताइवान से उसकी लड़ाई चल रही है, हांगकांग से लड़ाई चल रही है, साउथ चाइना सी में जिस तरह का वर्चस्व वो कायम करना चाहता है, अमेरिका से तो शीत युद्ध में दाखिल हो चुकी है उसकी लड़ाई। लेकिन अगर शी जिनपिंग अपनी सेना से ये कहते हैं कि आप किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए तैयार रहिए, यानी लगभग युद्ध के लिए तैयार रहिए, तो उनका इशारा किस तरफ है, भारत या अमेरिका? युद्ध चाहता है चीन। किससे युद्ध चाहता है चीन? किसको डरा रहा है चीन? भारत को डरा रहा है चीन? अमेरिका को डरा रहा है चीन? या ये चीन का डर बोल रहा है? कोरोना पर चीन के पैरों तले धरती खिसकी तो उसकी खिसियाहट इस कदर बढ़ी कि उसके राष्ट्रपति तक युद्धोन्माद से भर गए, मानो हथियारों के बल पर दुनिया को हड़प लेंगे। सीधा शरीफ दिखने वाले जिनपिंग ने दुनिया के लिहाज से बहुत ही टेढ़ा बयान दिया है। व्यापक रूप से सैनिकों की ट्रेनिंग कराओ और युद्ध की तैयारी करो, राष्ट्र की संप्रभुता और रणनीतिक स्थिरता के लिए ये जरूरी है। शी जिनपिंग ने कहीं आते जाते ये बात नहीं की, उन्होंने बाकायदा सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक में इस बात को जोर शोर से रखा। तस्वीरें गवाह हैं कि किस तनाव और दबाव के बीच जिनपिंग का ये बयान आया है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस की बैठक में जिनपिंग थके हारे दिख रहे थे, शायद उन्हें एहसास हो गया था कि युद्ध सिर पर आ खड़ा हुआ है। एक साथ चार मोर्चों पर मुखातिब है जिनपिंग, भारत से सीमा पर पंगा लिए बैठे हैं,
ताइवान हाथ से खिसक रहा है, हांगकांग जल उठने को तैयार है और अमेरिका सबक सिखाने को। इनमें से किसी भी मोर्चे से पांव खींचने का मतलब होगा चीन की जगहसाई। हालांकि उसने खुद ही अपने हिकारती सोच से इन मोर्चों को खोला है, खासकर तब जब दुनिया कोरोना से लड़ रही है। जिनपिंग ने और भी बहुत कुछ बोला है जिससे चीन की महत्वाकांक्षाओं के जल उठने की बू आ रही है। उसको सुनाने से पहले जान लेते हैं कि चीन इतना आकुल व्याकुल क्यों है, क्यों अपने देश को युद्ध के मुहाने पर ले आया है। सारा विश्व, 100 से ऊपर देश उसको एक्यूज कर रहे हैं कि कोरोना वायरस में उसका कुछ ना कुछ हाथ है। है कि नहीं है वो तो पता लगेगा जब भी पता लगेगा, लेकिन एक तरह से वो उसको अच्छा तो नहीं लग रहा होगा कि सारे 100 देश मेरे अगेंस्ट बोल रहे हैं WHO में, और वहाँ एक्सेप्ट भी हो चुका है। उसकी हांगकांग में परेशानी हो रही है, उसकी ताइवान में परेशानी हो रही है। पीपी किट्स बांटने से लेकर दुनिया का मसीहा बनने की चीन की चालबाजियां चकनाचूर हो चुकी हैं। अगर चीन से रातों रात अपनी कंपनियों को समेट कर कहीं और ले जाना इंटरनेशनल निवेशकों के बूते की बात होती तो अब तक चंपत हो चुके होते, होंगे भी आहिस्ता आहिस्ता। यही तो नहीं चाहता चीन, इसलिए अपनी ताकत के दम पर दुनिया को धमकाने की रणनीति बना रहा है। सुनिए जिनपिंग का एक और बयान। जरूरी हो गया है कि हम सैन्य संघर्ष की तैयारी कर लें। इसके लिए लचीले तरीके से युद्ध की तैयारी करनी होगी ताकि हम अपने सैन्य अभियानों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकें। पिछले 3 महीनों में बहुत कुछ किया है चीन ने। ट्रंप को बदनाम करने की इंटरनेशनल साजिशें रची हैं। कोरोना संक्रमण में अमेरिका की दयनीय स्थिति के लिए ट्रंप को जिम्मेदार करार दिया, WHO को कठपुतली की तरह नचाया, भारत को आंखें दिखाई और अब डराने की तरकीब में लगा हुआ है, लेकिन कुछ काम नहीं आया। ट्रंप पूरी ताकत से उसके मंसूबों को तोड़ने में लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी चीन से आने वाली कंपनियों के स्वागत में लगे हैं तो चीन के पास बचता ही क्या। 2 महीने में दूसरी बार जिनपिंग ने अपनी 1.4 बिलियन जनता को दो टूक कहा कि वो मुश्किलों से 2-4 होने को तैयार हो जाए। सबसे खराब स्थिति की कल्पना करें, उसके बारे में सोचें और युद्ध के लिए अपनी तैयारियों और प्रशिक्षण को बढ़ाएं। तमाम जटिल परिस्थितियों से तुरंत और प्रभावी तरीके से निपटें, साथ ही पूरी दृढ़ता के साथ राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और विकास संबंधी हितों की रक्षा करें। जिनपिंग ने अपने संबोधन में युद्ध शब्द का कई बार इस्तेमाल किया। कोई उनसे पूछे कि आखिर ऐसा क्या हो गया, कौन सा देश चीन पर चढ़ाई करने जा रहा है और क्यों, अगर ऐसा होता है तो क्या इसमें चीन का कसूर कुछ भी नहीं, कोरोना पर जानकारी छुपाने और दुनिया को गुमराह करना क्या उसका कसूर नहीं था, क्या उसका कसूर नहीं है कि 3 देशों से सीधा पंगा लेने के साथ साथ वो साउथ चाइना सी में बेवजह ही तनाव पैदा करता रहा। खामियाजा तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। युद्ध के लिए अपने सेना को तैयार कर वो दुनिया को और परगला नहीं सकता। आज तक तो चीन से जब बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है तब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सेना को आगे भेजा जाता है, लेकिन दिन रात चीन की चालबाजियों का सामना करती है हमारी ITBP। वहां पर किस तरह की परिस्थितियां होती हैं, धक्का मुक्की हाथापाई की नौबत क्यों आती है, कितनी बार आती है, चीन को पीछे रखने के लिए क्या क्या करना होता है, उन मीटिंगों में क्या होता है, आज मैंने बातचीत की है इसके बारे में और काफी दिलचस्प कहानी सामने आई है। वहां पर एक लंबा कार्यकाल अपना निभाने वाले ITBP के पूर्व IG चौधरी जी से सुनिए आप भी। चाइना के साथ बॉर्डर पर हम गोलियों से जवाब नहीं दे सकते हैं, अनलाइक पाकिस्तान बॉर्डर। तो यहां पर सिर्फ मतलब जो हाथापाई जो होती है उसी तरीके से आप पुशबैक कर सकते हैं किसी को भी अगर चाइना ज्यादा आगे आता है। ITBP क्योंकि आपका अनुभव काफी रहा है उस पूरे क्षेत्र में, किस तरह से चीन आगे आता है, क्या आप लोगों को पेट्रोलिंग करते हुए अंदेशा होने लगता है, ऐसा कितना सामान्य है ये? ये रेगुलर फीचर है हम लोगों का, आमना सामना पेट्रोलिंग का आमना सामना होना बड़ा रेगुलर फीचर है और उसकी हम रिपोर्टिंग रेगुलर देते हैं। कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसमें कि वो हमेशा जो है आते हैं, इधर से हम जाते हैं वो उधर पोजीशन ले लेते हैं, इस तरफ हम पोजीशन लेते हैं अपने एरिया में, क्योंकि वहां का जो परसेप्शन है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, उसका परसेप्शन जो है वो बिल्कुल अलग है। हम
कुछ और सोचते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारी लाइन उस पॉइंट से उस पॉइंट तक है, वो सोचते हैं कि उनकी लाइन परसेप्शन के हिसाब से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाइन है, तो वो वहां तक आने की कोशिश करते हैं, हम उनको वहां पर नहीं आने देते, उनको जहां हमारा एरिया है वहां तक रोकने की कोशिश करते हैं और सामने एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। वी है ITBP हैज मेड ए बैनर अबाउट 25-30 ईयर्स बैक कि दिस इज आवर टेरिटरी, चाइना वी मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस और आप अपने इलाके में चले जाइए। इट इज रिटन इन चाइनीज, हिंदी एंड इंग्लिश, और उस बैनर को हम दिखाते हैं और उसके साथ हम अपनी फोर्स को आगे बढ़ाते हैं ताकि वो वहां रुकें और हम भी अपने उसमें एरिया में उनको ना आने दें। तीन जगह ऐसी हैं इंडो चाइना बॉर्डर पर जहां पर के बॉर्डर पर्सनल मीटिंग होती है, हर महीने होती है, एक बार चाइना कंडक्ट करता है, एक बार हम करते हैं, और उसमें जो पूरे महीने के हमारे आपस के जो डिफरेंट परसेप्शन के हिसाब से वायलेशंस हैं उनको रिकॉर्ड करके उनको बताते हैं कि आपने इस इलाके में इतने बजे से इतने बजे तक वायलेट किया और इस हमने इसको जो है रोकने की कोशिश की। वो भी उसी चीज को कहते हैं कि आपने इस इलाके में किया, हम सही थे आप गलत हैं, हम कहते हैं हम सही थे आप गलत हैं, और उसी पर जो है वो मीटिंग खत्म हो जाती है। आपका अपना अनुभव क्या कहता है, जितना आपने चीन को स्टडी किया है, जितना अपने इतिहास को, जितना उस पूरे इलाके में सर्व किया है, चीन इस समय क्या वाकई एक वॉर चाहता है या सिर्फ गीदड़ भभकी दे रहा है? नहीं, चाइना वॉर नहीं चाहता, क्योंकि आज की तारीख में कोई फुल फ्लैश वॉर नहीं लेना चाहता। आज की सिचुएशन वर्ल्ड ओवर किसी भी कंट्री के साथ ये है, कोई आदमी फुल फ्लैश वॉर नहीं ले सकता। ओनली थिंग इज के वो पर्टिकुलर एरिया में जो उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको कैप्चर करने के लिए, उसको लेने के लिए एरिया स्पेसिफिक में जो है वो अपने फाइटिंग उसके लिए वो रहता है और वो करने की कोशिश कर सकता है। मैं ये नहीं कहता नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना का माइंड पढ़ना इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, क्योंकि वो जो बोलता है वो करता नहीं है, जो करता है वो दिखाता नहीं है, जो दिखाता है वो होता नहीं है। दैट्स अ फैक्ट। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, और जब वो सोचते हैं तो आज से 100 साल के बाद की सोचते हैं, आज की नहीं सोचते। ये मैंने मैं छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहूंगा। आई हैड गॉन इन वन ऑफ द डेलीगेशन और वहां पर जो है LSE मार्किंग वगैरह के बारे में बात थी, हमने मैप दिखाए, उन्होंने भी अपने मैप दिखाए, उनके चाइनीज में मैप थे, हमारे इंग्लिश में मैप थे। सो उन्होंने आधा घंटा डिस्कशन किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, जो इंटरप्रेटर था उसने कहा कि द डेलीगेट लीडर वांट्स दैट वी शुड एक्सचेंज द मैप फॉर सम टाइम, स्टडी इट, देन वी कम फाइनली। वो आए एंड दे सेड कि जेंटलमैन द मीटिंग इज क्लोज्ड, वी डू नॉट वांट टू हैव एनीथिंग नाउ, एंड they took their map, literally they snatched their maps and gave our map. Now that indicates two things. One is that they'd shown it, they have the record ki hum kya chahte hain. Unhone hame jo dikhaya map uske bare mein we were uncertain ke usme kya cheez hai, to unhone un cheezon ko apna scan bhi kar liya aur apne paas rakh bhi liya, aur aaj se 10 saal baad ya 20 saal baad wo kahenge ki ye to aap dikha rahe the, to is tarah se wo dominate karte hain। और उनकी इस स्ट्रेटेजी की वजह से वर्ल्ड ओवर कोई भी आदमी, कोई भी नेशन ये नहीं कह सकता कि वो क्या करना चाहता है। अभी की सिचुएशन में देख लीजिए, वो 2 महीने पहले जो वुहान की पोजीशन क्या थी और आज क्या पोजीशन है, इट इज अ टोटली ट्रांसफॉर्म्ड। सो यू जस्ट कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हाट चाइना वांट टू हैव। सुना आपने चीन की चालाकी के बारे में कि किस तरीके से वो एक आम सामान्य दिन में भी मीटिंग के दौरान इसी कोशिश में रहता है कि कैसे फायदा ले लें, और यही कारण है कि आज हर एक छोटे से बड़ा देश चीन से चिढ़ा हुआ है और चीन चौतरफा घिर गया। अगर ये शीत युद्ध है तो समझिए अमेरिका ने चीन को चौतरफा घेरना शुरू कर दिया है। इस जकड़ और पकड़ से ड्रैगन की सांसें तक सकते में है। पहले हांगकांग पर हेकड़ी टाइट, ताइवान के मुद्दे पर भी बड़ी फाइट,
हद से ज्यादा बढ़ी है चीन की टेंशन। सिर्फ बयानवीर बना हुआ है ड्रैगन। इस रिपोर्ट में हम हांगकांग पर आज की डेवलपमेंट के बारे में पूरी खबर देंगे, लेकिन सबसे पहले बात नए खुले मोर्चे पर। यह मोर्चा है ताइवान, वही ताइवान जिसे चीन अपने चंगुल में रखना चाहता है, जिस पर अपने अधिकार का दावा करता है। चंद दिनों पहले यहाँ नई सरकार हुकूमत में आई है। साई इंगवेन यहाँ की नई राष्ट्रपति बनी है। यूं तो उनके शपथ ग्रहण समारोह में कोरोना संक्रमण की वजह से विदेशी मेहमान नहीं आए, लेकिन 41 देशों के 92 प्रतिनिधियों ने वीडियो संदेश जरूर भेजे। ये बात चीन को हद से ज्यादा चुभी है। कहां तो चीन ताइवान को चीन में मिलाने के सपने देख रहा है, कहां विदेशी सरकारें ताइवान को स्वतंत्र मान्यता दे रही हैं। अमेरिका तो हमेशा से इसे हवा देता रहा है, उसने बस जरा सा हवा का रुख तेज कर दिया है। इतने भर से मानो चीन के पैरों तले जमीन खिसक गई है।中国政府同世卫组织已经就中国台湾地区参与全球卫生事务做出了妥善的安排。台湾地区与世卫组织及其成员分享抗疫的信息，开展专家的合作交流，这方面的渠道是完全畅通的，从来不存在什么技术障碍或者是所谓防疫的缺口。 किसको किसको घेरेगा चीन? खुद पर ही घिर चुका है चीन। भारत ने भी फेंका है कूटनीतिक पा। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।